beautiful ode to faces, चेहरों के ऊपर. और आज का ये इवेंट बहुत ज़्यादा, हालांकि कलाकुंभ का हर इवेंट हमारे दिल के बड़े करीब होता है, लेकिन आज कुछ खास है. जिनके साथ मैं यहाँ बैठी हूँ, इनके साथ इससे पहले भी बातचीत हुई है, हंसी मजाक हुआ है, बहुत खूबसूरत सा वक्त गुजारा है और एक दोस्ती वाला रिश्ता है कहीं ना कहीं. पर उसके साथ शाम फाउंडेशन के बारे में जब पहली बार सुना था तो एक क्यूरोसिटी थी उसके बारे में, देखा समझा, आलोक से मिली, इनके काम को देखा, इनके साथ जितने लोग हैं उनको देखा और एहसास हुआ कि कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं होती हैं, किताबों से परे हम हर एक दिन में एक कहानी जीते हैं, हर एक चेहरे में एक कहानी होती है. और यहाँ तमाम कहानियाँ मेरे साथ, एक साथ पांच कहानियाँ बैठी हैं जो हमें समाज का एक बहुत ही घिनौना चेहरा भी दिखाती हैं कि हम उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ पर इंसान अपनी अपने गुस्से, अपने जलन, अपने अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए वो इस हद तक जा सकता है. और वहीं दूसरी तरफ ये चेहरे सिंबल हैं कि जिंदगी कहीं भी किसी भी मोड़ पर रुकती नहीं है. दे आर, जैसा कि वासव ने कहा, दे आर द वॉरियर्स, एग्जैक्टली हम वही समझते हैं. बेइंतहा ताकत है, बेइंतहा साहस है, दे आर एक्सट्रीमली करेजियस गर्ल्स. और आज पीछे एक छोटा सा लोगो है, उसके बारे में ज़रा सा बताना चाहूँगी. मंथन फाउंडेशन, जिसका हैशटैग हमने रखा है आओ कहानी बांटे. और होता है जब हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो ये घर शाहरुख खान का डायलॉग है, लिखा भला किसी और में है, कि जब आप कुछ अच्छा करने की सोचे बड़े शिद्दत से तो पूरी कायनात मदद करती है. तो चूँकि एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, बहुत सारे ऐसे छोटे ऐसे NGOs हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, प्राथमिक शालाएँ हैं जहाँ बच्चे पढ़ते तो हैं मगर बहुत बेसिक सी एमिनिटीज़ हैं उनके पास में. उनके पास खेलने को खिलौने नहीं हैं, उनके पास प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, उनके पास अच्छी क्लासेस ही नहीं हैं, उनके पास कहानियों तक जाने की, जो कहानियों की किताबें हैं वो नहीं हैं. तो अब तक हम पिछले साल भर में हमने काफ़ी सारे स्कूल्स कवर किए जहाँ पर बासब जाते हैं और वहाँ कहानी सुनाते हैं बच्चों को. और उसके बाद हम एक कदम आगे हमने सोचा और ये मुहिम शुरू की है कि हम उन स्कूल्स में छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनाएंगे. सो मंथन फाउंडेशन इज ऑल अबाउट दैट, आओ कहानी बांटे. हम क्राउड फंडिंग के थ्रू किताबें इकट्ठी कर रहे हैं और लाइब्रेरीज बन रही हैं. शुरुआत हमने गाज़ियाबाद और गुड़गांव से किया है और कोशिश है, एक अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं इसको एक्सपैंड करने की. लेकिन जैसा कि कहा कि किताबें ही नहीं हैं जहाँ कहानियाँ होती हैं, जीती जाती कहानियों के साथ इस हैशटैग की शुरुआत कर रहे हैं हम आज. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सारे के सारे यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए. बहुत कम होता है, अक्सर कभी मुलाकात होती है तो कभी ऋतु होती हैं, अंशु नहीं होती हैं, अंशु होती हैं तो कोई और नहीं होता है. यहाँ काफ़ी लोग हैं जो आपकी कहानियों को जानते हैं और काफ़ी हैं जो नहीं जानते हैं. तो हालांकि इस चीज़ को आप लोग बहुत बार समझा चुके हैं, बता चुके हैं लोगों को कि क्या हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा वक्त लेकर के एक बार दोबारा ज़रा सा हमें उस वक्त में ले जाएं कि जब ये हादसा हुआ था, वजह क्या थी, वक्त क्या था. बहुत बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ से हम बहुत लंबा सफ़र तय करके आ चुके हैं तो आज हम बहुत हिम्मत के साथ में उस चीज़ को दोबारा बता सकते हैं. आपसे शुरुआत करना चाहूँगी. मेरा नाम मधु कश्यप है और मैं आगरा से हूँ. मैं 2016 से सीरो जेन हाउस से जुड़ी हूँ. और जब आपके साथ ये हादसा हुआ था तो किस साल में हुआ था और किस वजह से हुआ था? मेरे पे अटैक हुआ था 1997 में. रीजन ये था, कोई लड़का था तो मुझसे लव करता था, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करता था, लेकिन लव का नाम दे दिया गया उसे जी, वन साइड लव. लेकिन अगर लव करता था वो अटैक नहीं करता बिल्कुल. तो मैंने मना करने पर तो उसने मेरे पे अटैक किया. ये बड़ी अजीब सी बात है लेकिन सच्चाई है.
जैसे हम मोहब्बत इश्क प्यार जो भी कहते हैं वो यहाँ तक किसी को नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वाकई प्यार इंसान को खूबसूरत बनाता है, अच्छा बनाता है, यहाँ नहीं लेकर के आता। अंशु आपसे जानना चाहूँगी कब हुआ यह हादसा और रीज़न क्या था? थैंक यू मैम। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर 55 साल के बूढ़े ने एसिड अटैक किया था। और रीज़न ये था कि मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और वो जो 55 साल के बूढ़े थे ना उनको दादाजी बुलाती थी। तो एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रखा, मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शब्द रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो मैं मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि वो 55 साल के 15 साल के मेरे कैसे सोच सकते हैं लोग। तो मैंने उनको खुद से समझाने की कोशिश की बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर घर पे मैंने बताया मम्मी पापा को, मम्मी पापा ने उनके वाइफ उनके बच्चों से बात किया पर उन्होंने मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। फिर मैं घर पे सो रही थी, जिन्होंने सोते मुझे पता नहीं। 55 साल के इंसान थे और आप 10वीं में पढ़ती थी, बच्ची थी, बच्ची बिल्कुल। मेरा बेटा आज 10वीं में है तो मैं समझ सकती हूँ, वो मेरे लिए बड़ा नहीं था। आज तो आप भी उस वक्त बच्ची थी और वो 55 साल की उम्र में। ऋतु आपकी कहानी? मुझे लगता है कि कहानी सबकी एक जैसी है, बिल्कुल, और फेसेस अलग अलग है सबके। बट मैं एक चीज कभी नहीं भूल पाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे वो टाइम, वो डेट और उस दिन क्या था मुझे मतलब बहुत अच्छे तरीके से याद है। उस दिन सैटरडे था, 4:30 के बीच में मेरे ऊपर अटैक हुआ था और 26 May 2012 का दिन था और मेरे कजिन ब्रदर ने किसी से अटैक करवाया था मेरे ऊपर। और कहानी सबकी जैसी है वैसी ही मेरी भी है। मैं और सोसाइटी के बारे में और ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट को लेके, लोगों को लेके, मतलब मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा हम उस पे बात, हम उसी पे बात करना चाहेंगे, हम उसी पे बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नए हैं जो शायद शीरोज के काम को या आप लोगों के काम को उतना बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी था कि एक हम छोटा सा पीछे की तरफ जाएं। और जैसा कि आपने कहा, कहानियाँ सबकी एक हैं क्योंकि उस कहानी के जड़ में कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं किसी की नाकामी है, चाहे वो किसी भी वजह की हो। और मेरी बात ना मानी गई, चाहे वो हम उसे किसी झगड़े के बारे में कह लें या किसी प्रपोजल के बारे में कह लें, लेकिन उसके जड़ में वही चीज़ है, ये क्राइम है जो किया गया। आपने जैसा कि जिक्र किया कि मेडिकल प्रोसीजर, वो एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी। जब एक अटैक होता है और तब से लेकर के जो, अगर मैं अभी आप ही के बारे में कहूँ कि आज आप जिस स्टेज पे बैठे हैं और जो मैंने आपकी पहले की तस्वीरें देखी हैं, कितना लंबा रहा मेडिकल का सफर आपका? डॉक्टर्स भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत अलग होते हैं, मतलब मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी कि जब पहली फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि जब अटैक होता है उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं तो फर्स्ट ये चीज फेस करनी पड़ती है कि वो पेशेंट पड़ा है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको पहले FIR और ये सब पहले करो। सबके साथ ये होता ही है कि मतलब पहले पुलिस केस है, पहले आप दर्ज करके उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और जबकि बहुत देर हो गई होती है उस टाइम पे, मुझे लगता है कि 30 मिनट्स भी बहुत है या 15 मिनट्स भी बहुत है। मतलब मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचती तो उधर आसपास तो किसी को नहीं पता था कि पानी से मुंह धुला देना चाहिए, तो उन्होंने जाते ही मेरा फेस पानी से धुलाया तो 30 मिनट्स हो गया था। और उसी टाइम डॉक्टर्स ने बोला कि मतलब इसके लेफ्ट आई के चांसेस बहुत कम है बचने के, और जो कि वो नहीं ही बच पाई एक महीना देखने के बाद भी। उसके बाद था कि चलो ठीक है, मुझे जो चीज़ नहीं पता है तो मैं वो रास्ता नहीं बताऊंगी किसी को भी। तो मतलब डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैंने रोहतक PCI में ट्रीटमेंट कराया, तो डॉक्टर ने एक बार भी ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि आप दिल्ली में जाएंगे तो और बेहतर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। मतलब एटलीस्ट मेरे घर वालों ने भी यही सुना था कि मतलब प्लास्टिक सर्जरी होती है और फेस बदल जाता है, बट ऐसा मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैंने भी एक मूवी में देखा था
मेरे पेरेंट्स ने, पर आंख जाने के बाद वापस आने के कोई चांसेस नहीं नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल रियर केस में होता है कि वापस आएगा। पर एक महीने तक दिख रहा था, डॉक्टर्स ने रेफर नहीं किया। जब डॉक्टर्स ने ये जवाब दे दिया फोर्थ टाइम, जब मेरा लेंस निकाला, वन वीक में वन टाइम निकालते थे, तो बोले कि ब्लैक मोतिया हो गया है, मैं अब नहीं देख पाएगी। तो मतलब इतना गुस्सा था ना मन में कि फेस कैसे भी ठीक होगा पर आई नहीं लौट पाएगी। तो मतलब बहुत अजीब लगा मुझे। और दूसरा कि जब मेरा 15 डेज या 20 डेज या वन मंथ के बाद जब प्लास्टिक सर्जरी हुआ पहला, तो मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में चेंज देखा है कि मेरा फोरहेड से लेके नेक तक का जब ग्राफ्टिंग किया तो दोनों थाई से स्किन निकाल के पूरा फेस पे लगाया। और मुझे लगा कि मतलब वो सक्सेस भी नहीं हुआ वो ऑपरेशन, मतलब नेक से स्किन हटा, अपर लिप से स्किन हटा, तो मतलब वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया और दोनों थाई से स्किन लिया। वही मैं प्राइवेट हॉस्पिटल बताऊं तो मैं अभी अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही हूं, तो जिस फेस पे मतलब सिर्फ थाई से, मतलब डॉक्टर कितना ख्याल रखते हैं कि तुम्हारा नीचे नीचे से स्किन लेंगे तो तुम वन पीस कैसे पहनोगी, हाथ से लेंगे तो कैसे तुम विदाउट स्लीव कपड़े पहनोगी, बैक से लेंगे तो तुम साड़ी कैसे वेयर करोगी, तो मतलब इतना तक उन्होंने मुझे बोला और इतना ख्याल रखते हैं वो। जो थाई से जितना भी थोड़ा थोड़ा स्किन बचा था इतना इतना पीसेस निकाला। और मेरा 13 ऑपरेशन किया है, 13 ऑपरेशन प्राइवेट अभी अपोलो में। तो मतलब कितना चेंज है ये प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट। यानी कि जो मेडिकल की फ्रेटर्निटी में भी जो लोग हैं उनके भी अप्रोच में चेंज है, और दूसरा शायद उन्हें उतनी समझ नहीं है या नॉलेज नहीं है। हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों का जो मानना है, सोच है, एक है कि बस काम कर देना है किसी तरह से, एक है कि लंबे समय तक के लिए चीज़ें सोचते नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कैसे वो गवर्नमेंट सीनियर सर्जन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, तो कैसे कैसे मतलब इतने सेंसिटिव मुद्दे को कैसे वो ऐसे हैंडल कर सकते हैं कि वो सक्सेस ही नहीं ऑपरेशन होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उधर पेन भी नहीं है और ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ, तो कैसे मतलब क्यों? बिल्कुल, ये क्यों एक बहुत बड़ा सवाल है। अंशु, आपने जो मेडिकल जो आपकी सर्जरीज हुई हैं, कितना लंबा ये सफर चला है, कितनी सर्जरीज हुई हैं, या किस तरह के कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम, अभी मेरी दो सर्जरी हुई है एंड फर्स्ट मैंने पीजीआई कराया था तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और सेकंड ऑपरेशन मैंने चेन्नई में कराया तो वो मेरा सक्सेसफुल हुआ। और वो सुंदर मेरी आईज पे पलक नहीं था तो उन्होंने पलक बनाया, और पीजीआई में मैंने लिप्स कराया था क्योंकि मेरा मुंह ज़्यादा ओपन नहीं होता है और खाना खाना होता है तो बहुत कम कम मैं खा पाती हूँ, तो ऐसे कि बड़ा मुंह हो जाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा खाएंगे, पानी पूरी खाने में आसानी होगी। तो कल कल तो मुझे ऐसे भी नहीं पसंद है तो खाना पसंद है, तो डॉक्टर के पास गए मुँह बड़ा कराने और उन्होंने और छोटा कर दिया और अभी मैं और नहीं खा पाती हूँ। ये बहुत बड़ी मजेदार बात कही इन्होंने कि बिल्कुल। और जो एक आपने जरा सा जिक्र किया था कि वो बहुत सुंदर लगता है, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं और उसको बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा है जब हादसा हुआ हो गया, तब से लेकर के अब तक की जिंदगी में जो एक सफर तय किया है कैसा रहा है? मेरा नाम बाला है और मेरे ऊपर अटैक बहुत जब 12 मई को, मैं 17 साल की थी। अटैक का रीजन मेरे लिए था कि हमारे पास खेती बाड़ी नहीं था तो मेरे पापा दूसरों के खेती का काम करते थे और उसकी आदत गंदी थी तो वो मेरी मम्मी को पसंद करता था, तो मेरी मम्मी ने पापा से बोल दिया तो पापा ने काम करना छोड़ दिया, उसको रंजिश हो गई, छोटा सा झगड़ा भी हो गया था, वो लोग हमारे घर पर आ गए थे। पर जब मैं बहुत मतलब मुझे इतनी समझ नहीं थी और पापा सोचे कि ऐसा ही हो गया चलो छोड़ो, और मतलब फिर हमारे 3 जानवर मार दिए थे रात के 1 बजे किसी ने, पर देखा नहीं किसी ने मारे। और फिर मेरे दादा सो रहे थे 80-90 साल के दुकान में, तो दुकान का सेंटर कोई गेट नहीं था और उनके रात के 3 बजे एसिड फेंक दिया था, तब भी किसी ने नहीं देखा था। और जब तीसरी घटना दिन शनिवार सुबह 7 बजे का था, मैं खाना बना रही थी और बहुत गर्मी पड़ रही थी, मैं बाहर आंगन में खाना बना रही और मेरी मम्मी मुझे बस बाहर से लकड़ी ला के दी है चूल्हे में रोटी बनाने के लिए, और मेरे ऊपर वो आया एसिड फेंक के चला गया। तो
ऑपरेशन हो चुके हैं। 12 ऑपरेशन। जी। एक सवाल मेरा आप सबसे है, जब ये हादसा होता है तो बहुत तकलीफ, ये बहुत तकलीफ, बहुत छोटा शब्द है इसको समराइज करने के लिए, लेकिन क्या मेडिकल चैलेंजेस उससे कहीं ज़्यादा हैं? एक पूरी ज़िंदगी में आप, मेरे ख्याल से बहुत लंबा वक्त लगता है एक नॉर्मलसी के लेवल पे लेकर के आने के लिए चेहरे को और अपनी समझ और अपनी ज़िंदगी को भी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जब शुरुआत हुई थी, जब ये अटैक हुआ था, तो लोगों का जो रिएक्शन था, सोसाइटी का जो रिएक्शन था, वो कैसा था? लोगों को सिंपैथी या तुम्हारी गलती है या किस वजह से हुआ, कैसा रिएक्शन था लोगों का? हमारे गांव का रिएक्शन तो लोगों का ये था कि जैसे कि सामने तो कोई नहीं कह पाता था, पीछे सब बोलते थे गलत हुआ ये सब, और डर के मारे कोई बोलता नहीं था कि हम ना फंस जाए ऐसा। और जब मैं मतलब फेस कवर करती थी, मैं 2017 से जुड़ी हूँ यात्रियन से, तो उससे पहले मैं फेस कवर करती थी, कहीं आती नहीं थी, जाती नहीं थी, बहुत शर्माती थी अपने आप को लेकर। और आज आप मुझे देख रहे हैं कि मैं फेस ओपन करके चलती हूँ और खुश रहती हूँ, वो यहाँ आने की वजह से ही है। और मतलब कि लोगों का रिएक्शन तो ऐसा था ही, पर आप उनको पीछे छोड़ के आप ऐसा काम करो, आगे बढ़ते चले जाओ, उनको सोचो ही मत। तो एक ना एक दिन वो लोग आपको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। जैसे कि अब मैं गांव जाती हूँ तो मुझे मतलब सब लोग पूछते हैं अलबाला कब आ रही हो, ये सब ऐसा, मेरे पापा मम्मी से ही पूछते हैं। तो मेरा तो ये, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है मैडम, थैंक यू। ऋतु एंड अंशु दोनों टेडेक्स पे रह चुके हो, टेडेक्स पे अपनी पूरी कहानी आपने बताई और सारी चीज़ें हुई। जब ये हादसा हुआ था और आप एक लोगों के साथ में मिलते थे, कहीं ना कहीं खुद को लेकर के इनसिक्योरिटी थी, और तब से लेकर के आज जब आप लोगों को वहाँ की जर्नी छोड़ करके इतने सालों बाद जब आज आप लोगों को देखते हैं, तो एक अलग ही पर्सनैलिटी है। कैसा रहा ये सफर, क्या था, क्या वो चीज़ थी जिसने अंदर के अंदर वो जोर दिया कि गलती जब सामने वाले ने की है तो मुझे मुझे छुपाने की क्या ज़रूरत है? सोसाइटी से मैं मतलब आपने क्वेश्चन किया तो मैं उससे स्टार्ट करूँगी कि सोसाइटी किस तरीके से उसको पीछे खींचना चाहती है। एक तो अटैक होने के बाद उसकी आइडेंटिटी चली गई, तो उसको वो सोसाइटी से एक अलग ही रख देती है, वो अपना हिस्सा मानती ही नहीं है। दूसरी बात कि उसको शायद ऐसा लगता है कि वो पागल है, वो देख नहीं पाएगी या वो समझती नहीं है। मतलब मेरे केस में ऐसे, मैं घर आई डिस्चार्ज होके, कोई मिलने आया, मैं पहचान, मैंने आपकी आवाज़ सुनी है तो मैं बता दूंगी कि सरिता जी आई है आवाज़ सुन के। तो लोगों ने बोला कि अभी भी देख पाती है, अभी भी सोचती है, क्या अभी भी कर पाएगी? अरे मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने आंसर दिया, वो सोचती वैसे ही है, करती वैसे ही है, बस फेस ही तो बदल गया है, वो अभी भी ऐसे ही कर सकती इंसान नहीं है, सब चेहरा बदला है। तो सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ना दे, बढ़ने देना चाहती है आपको। तो रही बात चेंज लाने की और फेस ओपन करने की, कल हम 35 स्टूडेंट्स आए थे कॉलेज से, तो बात कर रहे थे कि कैसे चेंज आया, किसको देख लिया, किसने आपको ऐसा समझाया। तो जब मैं फाउंडेशन छा फाउंडेशन में आई थी, और तो मैंने एक स्टोरी देखी थी पहले, जब लक्ष्मी अमेरिका गई थी, तो मेरी ताई जी थी एक, जो मुझे बराबर कहती थी कि घर में कौन है, कौन तेरा करेगा, देखो ये भी तो बाहर जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाती हो। तो मैंने बोला मैं कहाँ से जाऊँ, मैं किसको पकड़ के लाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं किसको बुलाऊँ ऐसा कि जो मेरे को लेके जाए बाहर, मुझे पता ही नहीं है, ना मेरे पास फ़ोन है, ना मुझे फ़ोन चलाना आता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो आलोक भाई ने जब HT ने स्टोरी किया था, तो इन्होंने देखा, मेरे भाई से कॉन्टैक्ट किया, मेरे से घर मिलने के लिए गए। तो एक लगता है ना कि मतलब सपनों को तब मिलने आए तो पंख लगे थे, उड़ना फिर भी बाकी था, बस पंख लगे थे घर में, हाँ एक एक जगह से रास्ता दिखा है कि अब यहाँ से जा सकते हैं। तो उसके कई महीने के बाद मतलब मुझे हॉस्पिटल आना था, और भाई के साथ मतलब भाई आलो भाई कॉन्टैक्ट में थे, तो उन्होंने बोला कि फाउंडेशन में आओ मिलो। तो मैं फाउंडेशन में आई, तो मेरे जैसी और लड़कियां मैंने देखी, तो मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। उससे पहले मुझे लगता था कि अकेली मैं हूँ, और
जब बाहर निकलती थी सुबह से रात हो जाती थी फेस कवर करके, पानी भी नहीं पिया है कुछ भी नहीं, तो बहुत घुटन होता था। कैंपेन में आके सबसे बड़ा यही चेंज था कि मैं खुल के सांस ले पाई, मैं फेस ओपन करके चलने लगी। दूसरी बात, वो कहते हैं ना कि मम्मी पापा का एहसान कभी नहीं उतार सकते हम लोग, मतलब अपने झोल का चप्पल भी बनाकर पहना देंगे कभी भी नहीं। तो कल मैं ये बात शेयर करी थी, मतलब आलोक भाई का और आशीष भाई का मेरी लाइफ में ऐसा ही इतना बड़ा रोल है कि उन्होंने मुझे आज इस लेवल पे लाके खड़ा किया है कि मैं लाइफ टाइम मतलब इन लोगों को कैसे भी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। समझ सकती हूँ, इन दो लोगों के बारे में बोलने के लिए हमें कल टॉक शो करेंगे। चौ फाउंडेशन का नाम आपने लिया, अंशु वाला आपसे जानना चाहूंगी, फाउंडेशन का क्या रोल रहा है जिंदगी में आपके, जब हादसा हुआ था वहां से और आज इस जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे आप सब लोग तो देख ही रहे हैं नतीजा, और मतलब कि मेरी लाइफ चौ फाउंडेशन की वजह से पूरी तरह चेंज हो गई है। और आप पहले की पिक्चर देखेंगे और अभी की पिक्चर देखेंगे तो कहेंगे कि डुप्लीकेट अंशु है। और पहले क्या था ना कि मैं बहुत एकदम गांव से बिलोंग करती हूँ, तो जब अटैक हो गया था तो सोसाइटी का क्या रोल होता है कि वो बार बार हमें दिखाती हैं कि तुम्हारे साथ हादसा हो गया है और तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में जो रेपिस्ट होते हैं और जो अटैकर होते हैं तो सोसाइटी उनको तो नहीं प्यार से सोसाइटी में रखती है, लेकिन जो विक्टिमाइज होती है लड़की उसको उसी उस सोसाइटी से पता नहीं अलग रखते हैं कि उसने कितना बड़ा क्राइम कर लिया हो। और जो लड़का होता है उसकी शादी भी हो जाती है और उससे बातचीत करना भी नहीं छोड़ते, लेकिन जो लड़की होती है उसकी फैमिली वालों को भी उसी गिनती में और कैटेगराइज करती है कि तुम एक सर्वाइवर्स के मम्मी पापा हो, और ऐसे अटैक भी नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। तो उसी तरीके से मैं घर पर रहती थी और कोई बात नहीं करता था फ्रेंड्स लोग भी, और स्कूल से भी नाम काट दिया गया था। मैं 11th क्लास की स्टूडेंट थी, मेरे एग्जाम आने वाले थे तो मैं स्कूल में गई तो मैंने टीचरों से पूछा कि तुमने मेरा नाम क्यों काटा, तो उन्होंने ये बोला तुम्हारा फेस खराब हो गया है इसलिए हम तुमको पढ़ा नहीं सकते। तो करने को कुछ नहीं था कि घर में क्या ही करूँगी, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो एक बार मुझे सिरोज के बारे में पता चला था, हमारे FCM जो रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने सिरोज एम्बर में विजिट किया था। तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे लड़के को जॉब दी जाती है, मुझे ये पता था कि वहाँ पे ऐसे अटैक लड़कियाँ, क्योंकि पहले मैं अपने आप को अकेला मानती थी कि मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। तो जब मुझे पता चला तो मुझे एक राह मिल गई कि जब मैं इनसे मिलूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा और हो सकता है कि किसी कोई डायरेक्शन ही मिल जाए। तो पहले मैंने पापा से कहा कि मुझे इन लड़कियों से मिलना है, तो पापा ने मना किया कि नहीं जाना है क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, उनको सपने तो देखने की इजाज़त है पर उनको पूरा करने की नहीं। तो फिर उसके बाद मैं आगरा ही मम्मी से कह के, तो मेरी मम्मी मुझे पहले आगरा लेके आई थी, तो मैं कितना भी तुझसे मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने फेस क्यों कवर कर रखा है, तो मैंने बोला कि सभी लोग मुझे कॉमेंट करते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने फेस कवर किया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि फेस उसको कवर करना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ ऐसे अटैक किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने कभी फेस कवर नहीं किया, जब भी कहीं भी जाती हूँ अपने गांव में जाती हूँ तो फेस ओपन करके जाती हूँ, यहाँ तक कि जब मैं रिपोर्ट की डेट होती तो मैं अपने अटैकर के सामने फेस ओपन करके ही जाती हूँ। तो उसके लिए मतलब सबसे बड़ी सजा वही है कि आप सामने फेस ओपन करके जाते हैं। और उस जब फेस मतलब मेरे केस से बताऊँ तो मैं फेस कवर करके गई थी तो मेरे को देख रहे थे कि मैंने ही कोई गुनाह किया है। अलोक भाई ने बोला कि अब की बार जाओगी तो फेस ओपन करके जाओगी, बस एक बात मेरी मान लो। मैंने बोला भाई मैं कैसे फेस करूंगी, मैं क्या करूँ, बोला बस एक बात मान लो, आगे कुछ होगा तो कभी नहीं बोलेंगे पर एक बार तुम फेस ओपन करके जाओ। मैं गई थी ना तो उन सब 18 लोगों की नजरें नीची थी, वही सबसे बड़ी सजा थी। समाज के तौर पर ये हमारी हार कहूंगी मैं कि जब यहाँ पर बैठ करके अंशु ने ये बात कही कि
जब किसी के साथ रेप होता है, किसी के साथ इस किस्म का क्राइम होता है, तो हम क्रिमिनल को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं. क्रिमिनल को अगर हैंग करने की डिमांड होता है तो उसके पीछे वकील होते हैं, उसके पीछे गवर्नमेंट होती है, और इन प्रकारियन हर तरह का पूरा जोर लगाया जाता है कि वो इंसान जिंदा भी रहे, वो अपनी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी ले. और दूसरी तरफ जिसके साथ कुछ हादसा हुआ है, ना हम उसको वो सपोर्ट देते हैं, ना हम उसे वो मॉरल सपोर्ट देते हैं, ना हम सोसाइटी में उस किस्म की एक माहौल बनाते हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके. कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है समाज के तौर पर, हमें भी और जो सरकार बैठी है वो भी, कि बाकी सारी चीज़ों से हटकर कम से कम इस पे ध्यान दें कि जो क्रिमिनल है और जो विक्टिम है उसके बीच का जो अंतर है उसको समझना और उसको जिस तरह से हमें डील करना है उसको डील करना बहुत ज़रूरी है. विमला, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे आप अपनी बताएं कि जब ये कहाँ आपके साथ ये हादसा हुआ था तो आपकी उम्र क्या थी और यह हादसा किस वजह से हुआ था या किसने किया था? 27 फरवरी 2010 में हुआ था. मैं ऑफिस से घर आ रही थी तो मेरा बेटा उस समय 2 साल 2 महीने का था. विमला, यहाँ बैठकर इन चार लोगों के साथ हैं आप और आपके सामने इतने लोग बैठे हुए हैं और पूरी कोशिश है आपको वो मॉरल सपोर्ट देने की. अगर आप अपनी कहानी बताना चाहें और ना बताना चाहें, दोनों ही केस में मर्जी आपकी है. मैं ऑफिस से आ रही थी तो बाइक पे दो लड़के आए, उन्होंने पैसे डाल दिए. इलेक्शन का टाइम चल रहा था, मुझे आज तक पता नहीं लगा कि मेरे पैसे क्यों डाला और किसने डाला. सो मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस रहा आपका, शायद किसी और के ऊपर था या और डालना चाहते थे शायद. और क्योंकि मेरा हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी है, सीधे सादे लोग हैं, किसी से हमारा लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, और उसने मेरे ऊपर डाल दिया. मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम रिक्शे में बैठी थी और कुछ दिन मेरे ऊपर ऐसा हो गया. उस समय मेरा बेटा 2 साल 2 महीने का था, छोटा ही था. आज क्या उम्र है उसकी? आज वो 13 साल. 13 साल का है. और इन 13 साल में आपने क्या सीखा जब आपके साथ ही चार लोग बैठे हैं और आपके सामने इतने लोग हैं, इनसे आपने क्या सीखा वहाँ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी में? विमला रौदेला ने क्या सीखा? पहले मैं बिल्कुल बाहर नहीं आती थी, मेरी दरानी जेठानी सब बाहर जाती थी, मैं नहीं आती थी. मैं एक दिन न्यूज़पेपर में, मतलब न्यूज़पेपर में नहीं, मेरे ससुर लगते थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा ये ऐसे कोई फाउंडेशन है, आप वहाँ बात करो. तो मैं पहले उनके पीछे लगी रहती, मैंने कहा मामा आप बात कर दो. तो उन्होंने बोला कर दूंगा. फिर मैंने ऐसी एक मेरी कुलीग थी तो मैंने उस, मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता था उस समय, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये कोई फाउंडेशन है, ज़रा इसका पता कर दो. मेरे उसने मुझे नंबर दिया तो मेरी शायद आशीष भैया से बात हुई थी, मैं चाहती भी नहीं थी. आशीष भैया से बात हुई तो इन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं वहाँ आई. मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी उससे, तो मैंने जब रितु को देखा, इन्होंने मेरे से बात बात करी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब मेरा मन ऐसा करता है कि मैं ना यहीं रह लूँ, आप बच्चों का संभाल लो घर में. ये प्रॉब्लम है तो कह रहे कि मैंने कहा मुझे ना वहाँ उन सबके बीच में अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है. तो आप विश्वास नहीं करोगे, जब से मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ ना, एक तो मैं अब मैं कुछ कवर अवर करके नहीं जाती खैर, और मैंने अपने मायके जाना छोड़ दिया. मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ, कभी साल में एक बार चलेगी, नहीं तो मैं यहाँ आना ज़्यादा पसंद करती हूँ. कल भी मेरे को आ जाना था, मैं हस्बैंड से बोला है कि आ जाओ, वो मुझे गुस्सा कर रहे थे कि 9 बजे नहीं जाना रात को, और रितु अगर आई ही लेने तभी जाना. तो मैंने रितु से रिक्वेस्ट करी कि मुझे मेट्रो पे लेने आना, मैं रात को 10:30-11 बजे यहाँ पहुँची हूँ. ये जो माहौल है इसका थोड़ा सा अंश मैंने भी जिया है और वाकई बड़ा इन्फेक्शियस है, बहुत इन्फेक्शियस है. वो स्माइल्स ऐसी हैं, वो हंसी वैसी है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आप हंसे बिना, मुस्कुराए बिना रह नहीं सकते.
एक सवाल जो सबसे पूछना चाहूंगी, अंशु डांस की बहुत शौकीन है ये मुझे पता है, ठीक है, और उन्हें म्यूजिक मिल जाए तो शी इंजॉयज अ लॉट। अब मेरा सवाल ये है, ठीक है हादसा हुआ, वहां से लेकर के हम यहाँ तक आए, जिन्होंने किया चेहरा छुपाने की जरूरत उनको है, वेरी राइटली सेड ऋतु, बहुत जरूरत है समाज के तौर पर। मैं आज भी अभी भी यही कमी है हमारी आ रही है कि हम उस लेवल पर नहीं आ पाए हैं कि हम विक्टिम और क्रिमिनल के अंदर वो फर्क समझ सकें, मगर उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए हॉबीज क्या है और अब जिंदगी में आगे क्या करने की चाहत है, क्योंकि अब तक जो हुआ वो तो हुआ लेकिन आज हम यहाँ हैं और इसके आगे क्या क्या और ज्यादा अवेयरनेस की तरफ काम करना चाहते हो, क्या क्या अपने लिए क्या चाहते हैं आप करना? मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनूँ, क्योंकि मैंने कोर्स किया है और मैं चाहती हूँ मेरे एक सैलून हो जिसे मैं चलाऊं और जिसमें मैं अपने जैसे सर्वाइवल को रखूं। क्या बात है, बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मैं समाज से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि समाज ने मुझे बहुत दुख दिए, क्योंकि जब मैं शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो आड़ पड़ोसी और जहाँ हम जाते थे वहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ कहते रहते थे, लेकिन जब एंगेजमेंट मेरी हो गई थी उस वक्त अटैक से पहले एंगेजमेंट हुई थी तो मेरे ससुराल वाले कहने लगे अटैक होने का कि इस लड़की से शादी मत कर, लेकिन उन्होंने बोला अगर मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा वरना मैं शादी नहीं करूँगा, अगर शादी के बाद ऐसा होता तो मैं घर से बाहर तो नहीं निकाल देता। तो उन्होंने शादी की मुझसे, लेकिन जो घर वाले थे मेरे ससुराल वाले वो राजी नहीं थे, उन्होंने मुझसे संबंध तोड़ दिए और जो उनकी दुकान थी वो भी ले ली गई, तो उनकी दुकान वगैरह लेने के बाद उनका बेरोजगार हो गया मतलब। फिर मैंने सोचा चलो जिंदगी कट रही है कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, उसके बाद करते करते तो बच्चे भी हो गए, फिर बच्चे होने के बाद मुझे दिक्कत तो और ज़्यादा होने लगी क्योंकि मेरी ऐसी हालत हो गई थी ऐसा लगता था कि छत है लेकिन छत नहीं है, जमीन है तो जमीन भी नहीं दिखती, लाइट नहीं है, इसने बुरे हालत आ गए थे जैसे कि मुझे हमने भूसी की रोटी तक बना के खानी पड़ी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ी हूँ तो मुझे जॉब करनी चाहिए, मैं जॉब के लिए जाती थी तो इंटरव्यू देती थी मुझसे बोल देते थे कि हम कॉल करेंगे तब आ जाना, बट कॉल नहीं करता था। एक बार तो मुझसे डायरेक्ट मैंने कर दी अगर आपका फेस खराब है इसलिए आपको जॉब नहीं मिलेगी, अगर आप काली भी होती ना तो मैं आपको जॉब दे देती, बट उन्होंने जॉब नहीं दी। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि इससे तो अच्छा भगवान मुझे मौत दे देता तो बेहतर होता, लेकिन मैं अपने बच्चों को देख के झेलती रही सब कुछ। और मैंने काफ़ी जॉब भी की, मैंने अपना एक गार्मेंट्स की फैक्ट्री में की, वहाँ पर भी कोई किसी का रिएक्शन अच्छा नहीं था, मैंने एक मसाले की फैक्ट्री में जॉब की वहाँ पर भी किसी का रिएक्शन अच्छा नहीं था, और मेरी ऐसी हालत हो जाती थी सवेरे से लेकर रात को भी नींद नहीं आती थी, पूरे शरीर में जलन मचती रहती थी, कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती थी। फिर आप 6 से कब से जुड़ी? मैं 2016 से और बस कर चेक था। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि कंपनसेशन मिल रहा है तो मैंने उसका फॉर्म भरना शुरू करा, लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं थी, उन्हें डरा दिया गया कि अगर आपने FIR दर्ज करी तो आपके छोटे बेटे को जान से मार देंगे। तो वहाँ एक कल्याणी मिश्रा मैम मिली मुझे यहाँ सीरो जंगआउट का नाम बताया, तो मैं सीरो जंगआउट में आई 2016 में 1 अगस्त से मैं सीरो जंगआउट में से जुड़ी, तब से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। वो कहते हैं ना छाव, ये वाकई में ही छाव है जिसमें किसी को कहीं सहारा ना मिले कहीं छाव ना मिले वो वहाँ अपनी छाव यानी कि अपना जो तमन्ना है वो पूरी कर सकता है, वहाँ आकर मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। बाकी मैं बता रही कि आपसे भैया ही मेरे को देख के आए थे, ये बोलते थे आप इस तरीके से रह कैसे रही हो, मेरे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे यहाँ की जॉब छाओं का इन सभी की जिंदगी में कितना बड़ा योगदान है और कितना एक जो पूरी जिंदगी को चेंज करने में जो रोल
रहा है इस फाउंडेशन का, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और हालांकि बिल्कुल ये मानती हूँ कि अभी हम बहुत ही शुरुआती दौर में हैं, अभी ऐसा बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ऐसा हादसा ना हो सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, होने के बाद हम जो कुछ कर सकते थे वो तो शायद हो ही रहा है, और हालांकि उसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अंशु, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मिलता है, चाहे वो कंपनसेशन हो या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो उतनी होती हैं कि वो एक जिसके साथ हादसा हुआ है उसकी ज़िंदगी को एक सपोर्ट दे सके? मैम, गवर्नमेंट तो 5 लाख रुपीज कंपनसेशन दे रहती है, लेकिन वो ही इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि और गवर्नमेंट ने कुछ कुछ हॉस्पिटल में फंड दे रखे हैं, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे इलाज अच्छा नहीं होता है। तो और ये ऐसा हो सकता है कि आप उस सर्वाइवर्स को मतलब कि अधिक से ज़्यादा कंपनसेशन दें, ट्रीटमेंट के लिए दें, अच्छे हॉस्पिटल में दें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ट्रीटमेंट होता है। जब लड़की को अच्छे ट्रीटमेंट मिलेंगे तो हो सकता है वो अपने आप डिपेंड भी होगी और आगे चलने में सक्षम होगी और उसको अच्छी जॉब भी मिलेगी, क्योंकि वो आगे पढ़ाई करेगी। फिर अभी तो गवर्नमेंट ने 1% कोटा भी दिया है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो 35 साल से ऊपर है, 40 साल के ऊपर है, और वो सर्वाइवर्स है, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है? तो यही है कि गवर्नमेंट को भी अच्छा होने की जरूरत है और सर्वाइवर्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। आलोक भाई, आशीष भाई ने इतना अच्छा काम किया, हम सर्वाइवर्स को बाहर निकाला, हमको इंडिपेंडेंट किया, लेकिन ये काम सरकार को करना चाहिए था। बिल्कुल, यही ना, ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। और वो बहुत ही छोटा सा एक टोटल अमाउंट है जिससे शायद मेडिकल की कंपनसेशन जितनी, मेडिकल में जितना खर्चा होगा वो मेरे ख्याल से उतना भी वो निकलता नहीं है। ट्रीटमेंट का ही पैसा देते हैं, ट्रैवल का जो बाहर से है वो कैसे कैसे सर्वाइव करेंगे, उसको रहने के लिए, उसके खाने के लिए, उसके ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। पहले मैं इधर फाउंडेशन में नहीं आई थी, तो मैं रोहतक से डेली गाड़ी में ऑपरेशन के बाद अप डाउन करती थी, तो बहुत मुश्किल होता था। तो मेरे पापा को कभी, मेरे पापा के एक फ्रेंड बोलते थे, आज मैं, मेरी तरफ से गाड़ी जाएगी, आज रितु मेरे साइड से जाएगी, क्योंकि वीक में 2-3 टाइम ऑपरेशन के बाद जाना था, तो कभी कोई बोलता था आज रितु मेरे साइड से चली जाएगी, तो ऐसे मैं हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के बाद विजिट करती थी। तो वो अमाउंट नहीं, मतलब गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है वो सिर्फ, उसके बाद मतलब कॉम्पेंसेशन मैटर ही नहीं करता है कहीं ना कहीं, चाहे वो 1 लाख दे, चाहे वो 10 लाख दे देगा, चाहे वो 20 लाख दे देगा, वो लाइफ टाइम तक उस पैसे को बैठ के थोड़ी ना खाएगा। और रही बात, मुझे लगता है कि मतलब जॉब की 1% कोटा की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो सर्वाइवर्स पढ़ी नहीं है या जिसने थोड़ा पढ़ाई किया है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं बताऊं तो मैंने 10th क्लास तक स्टडी किया है, छाव फाउंडेशन ट्रेनिंग दिला के देके या दिलवा के सर्वाइवर्स को बिना डिग्री के जॉब दे रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? बहुत इंटरेस्ट लेती है सब लड़कियां कुछ ना कुछ सीखने में, इन्होंने ब्यूटिशियन का कुछ सीखा है, किसी ने मतलब कोई स्टिचिंग करता है, या कोई बोलता अच्छा है, कोई अपनी बातें रख पाता है, और गवर्नमेंट के पास हर एक ब्यूटीशियन की तो गवर्नमेंट टीचर होती है, तो मतलब जॉब देना चाहे तो वो दे सकते हैं। बहुत वाजिब सवाल उठाया ऋतु आपने, और लगे हाथ ये भी पूछना चाहूंगी कि इसके आगे क्या, ये भारी भारी सवाल थोड़ा सा ब्रेक दूंगी, इसके आगे क्या क्या चाहती हैं आप जिंदगी से आगे, ऋतु के सपने आगे क्या हैं? मुझे लगता है कि मतलब मैंने अटैक से पहले मैंने एक सपना देखा था, मैं स्पोर्ट्स खेलती थी और मैं चाहती थी कि मैंने स्टेट लेवल तक खेला, उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे खेलूं, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं, मैं कोच बनना चाहती थी। तो अभी तो मैं कंटिन्यू नहीं किया स्पोर्ट्स, और पता नहीं मैं गलत हो सकती हूँ इस जगह पे, और मेरा कोई गोल नहीं है कि मुझे ये करना है, मेरा कोई सपना मैंने ऐसे नहीं देख रखा कि मुझे ये करना है, बस मैं राइट नहीं हूँ शायद, पर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, उसने भी सपने देखे थे और बहुत सारी प्लानिंग की थी, और उसके बाद एक अगली मिनट का मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, उसको भी नहीं पता था, और उसको 15 डेज हुआ होगा मुश्किल से, मतलब 15 डेज में सब कुछ हो गया, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसका सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ, और फिर उसकी डेथ हो गई।
मतलब वो सपने रखे के रखे रह गए, मुझे लगता आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ये भी मेरा सपना ही है। क्या बात है, बहुत अलग नजरिए के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करना चाहेंगे, जहाँ पर एक तरफ हमने जब सबकी कहानियाँ सुनी हैं, कहीं ना कहीं ये कहना बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हमारी जो पितृसत्ता या पेट्रियार्कल जो सोच है हमारी सोसाइटी का, उसका जो डोमिनेंस है कि जो मैंने कहा वो होना ही चाहिए, या अगर मैंने कोई चीज़ कही है, मैंने किसी को प्रपोज किया है तो किसी ने मना कैसे कर दिया, वो जो एक सोच है वो इस क्राइम के जड़ में वो सोच का हिस्सा है, इसको हम चाहे माने चाहे ना माने। दूसरी तरफ जब हम मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल की जर्नी बेहद पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दर्द शामिल होगा इसमें, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसका हम किसी भी लेवल पे जाकर के हम नहीं समझ सकते कि इन्होंने किस दर्द से ये गुजरे हैं, कितने लेवल, जैसे किसी ने कहा कि 13 ऑपरेशंस हो चुके हैं, किसी ने 3 ऑपरेशंस करे, किसी ने 12 ऑपरेशंस करे, इस किस्म के मेडिकल प्रोसीजर के साथ में गुजरना पड़ता है। और जो एक बहुत अलग सी बात ऋतु ने बताई कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल प्रॉब्लम्स में भी हमें दिखता है कि प्रॉब्लम का जो एक तरीका है डॉक्टर्स का और जो फैसिलिटीज़ हैं वो अलग हैं, लेकिन अगर हम एज अ गवर्नमेंट हम उन्हें कंपनसेशन दे रहे हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो कम अज़ कम फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो अवेल कर सकें और उसका सही इस्तेमाल कर सकें। अगर उन्हें गवर्नमेंट में जाने के बाद में अनसक्सेसफुल ऑपरेशन करना है और फिर वापस प्राइवेट में जाना है, तो इस किस्म के कंपनसेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत ज़रूरी है कि ये बात हम सब के थ्रू, हम चाहे वो सोशल मीडिया पे डालें, चाहे हम वीडियो शेयर करें, चाहे अपनी बात कहें, आर्टिकल्स लिखें, किसी भी तरह से इस बात पे रेगुलर बात करना, इस बात के इस मुद्दे को रेगुलर उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम इस जगह पे बैठे हैं ये भी अपने आप में एक सपना है। एक बहुत बहुत खूबसूरत बात कही ऋतु तुमने, और छाव फाउंडेशन जिसने इन सब की ज़िंदगी में एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और जिसने ये मुहिम उठाई कि हम जिनके साथ ये हादसा हो चुका है उनको ज़िंदगी में अब आगे कहाँ तक लेकर के जाना है और उनको एक सपोर्ट देना है, उन्हें एक ऐसा माहौल देना है, एक ऐसी छांव देनी है जहाँ वो आपस में रह करके रह सकें। अंशु लखनऊ शिरोज में रहती हैं, आप में से जो भी कभी लखनऊ जाए, आगरा जाए, आगरा में नहीं जा पाई लेकिन लखनऊ में मैं गई हूँ, बेहद खूबसूरत, वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है शिरोज कैफ़े का, और वहाँ हंसते मुस्कुराते चेहरे आपके रहेंगे जो आपको वेलकम करेंगे। और जैसा कि इन सब ने बताया, छाँव के बारे में और जानना भी आप चाहेंगे, दो नाम जो अक्सर इनके मुँह से निकलते हैं, आलोक भाई और आशीष भाई, अब इस मोड़ पे तुम सबको थैंक यू सो मच, और आप पांचों के पांचों और आपके जितने दोस्त हैं, आपकी जितनी सहेलियाँ हैं, आपके जितने लोग हैं जो साथ से गुजरे हैं, यू ऑल आर सिंबल ऑफ करेज। आपको देख करके, आपकी मुस्कुराहट देख करके, आपके जीने के जज्बे को देख के एक नई सोच जो है वो हम लोगों को मिलती है। थैंक यू सो मच, बिल्कुल प्लीज बिल्कुल सॉरी इतना सारा टाइम ले लिया आप सब लोगों का। अक्सर बात करते हैं भैया के साथ बैठ के, कोई भी आता है तो ऐसा नहीं है कि आए और आप मस्ती करके जाओगे, ऐसा नहीं है, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा हम लोगों के साथ, फिर मस्ती होगा ना उसके बाद अक्सर हम लोग बातें करते हैं भैया या कोई भी बैठता है तो कि पहले की लाइफ से अभी बेटर है, कि हम बाहर निकल पाए, किसी के सामने बातें कर रहे हैं, शायद घर में होते तो लाइफ एकदम चेंज होती। बट मुझे लगता है कि मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा को, आलोक भाई को, आशीष भाई को, छाव फाउंडेशन को, सबको। उसके बाद सबसे बड़ा थैंक्स मैं उसको बोलना चाहती हूँ जिसने मेरे ऊपर अटैक करवाया कि मैं उसकी वजह से आज आप लोगों के बीच में हूँ। डिपार्टमेंट का देखते हैं, वो पीछे से काम करते हैं, कभी सामने नहीं आते, पर वो बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे कि आपने सपनों की बात करी कि आपके सपने क्या थे, तो मैं अपने सपनों की बात बताऊं।
कि मेरे सपने थे कि मैं पढ़ के और एयरफोर्स या पुलिस में, मतलब मेरे हाई डेंसिटी दोस्त जो मेरे गांव की वो गाँव चाचा भी लड़की थी तो उनको पढ़ाने में आगे छूटने जा रही थी, वो पढ़ती थी। तो मेरे जो मतलब गांव की सोसाइटी एक ऐसी होती है कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता गाँव में, ऐसा होता है। तो मुझे बस पाँचवा पढ़ाया, पाँच क्लास पढ़ा के और मेरा क्लास मतलब स्कूल जाना बंद करा दिया और पापा मम्मी बोले कि तुम पढ़ोगी बाहर जाओगी और ये वो ऐसा कोई क्या कहेगा, ये मतलब उन लोगों ने अपने आप को नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा और समाज को और अड़ोस पड़ोस को देख के मेरी पढ़ाई रुकवा दी। तो बस बोले आप सिलाई सीख लो, कुछ भी सीख लो पर काम सीख लो, पर पढ़ाने आगे नहीं देंगे। तो मैंने वैसे सिलाई का काम सीखा, मुझे सिलाई आती है अभी भी, लेटेस्ट कपड़े सब सिल लेती हूँ मैं अटैक से पहले। और तो मतलब वो समय पर तो मैं जो सपने थे नहीं देख पाई मैं, मम्मी पापा ने नहीं मतलब पूरे होने दिए। और चलो मैं उसको धन्यवाद बोलना चाहूँ जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, करना तो वो मम्मी पे चाहता था, पापा पे चाहता था, पर मम्मी भी अगर मम्मी पर अटैक हो जाता था, मम्मी भी एजड हैं तो वो भी घर में रहती, या शायद जैसे मुझे पता चला यहाँ के बारे में तो मैं जुड़ी तो शायद मम्मी भी जुड़ती, पर मैं फिर भी शादी हो जाती और अपनी फैमिली में रहती। तो मतलब मैं मुझे जब तो रोका गया और आगे सब जो मेरे सपने थे, पर यहाँ आने से मुझे ऐसा हुआ कि मैं आलोक भैया और आशीष भैया जी का धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि मतलब मैंने जो ये सपने नहीं देखे थे या अचानक से सपने मुझे देखने को मिले, तो मुझे वो उनसे सपनों से बड़े आगे सपने मिले। और जैसे आप जानते हैं कि ऋतु जी ने मैंने मूवी में भी काम किया है सीपी का पार्ट बोर्ड के साथ, और ये तो मतलब मैं सब पूरी यहाँ पे आके मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा काम करूँगी या आप सबसे मिलूंगी या इतना बड़ा वो ऐसा। तो मतलब जो अचानक से मेरी लाइफ में सरप्राइज आया और भैया ने मेरे हमारी जिंदगी एकदम से बदली, तो मतलब और मेरे पापा मम्मी भी मतलब अब सोचते हैं कि जैसे कि जब नहीं कुछ कर पाए तो आज वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और जब मैं अटैक हुआ था तब भी सपोर्ट किया, सपोर्ट तो मुझे पहले से किया। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी उनको, जल्दी नहीं देर में समझ आया, आया चलो जल्दी। बेहद खूबसूरत, बहुत सेंसिटिव मूवी बनी हुई है और आप सब बिल्कुल अमेजिंग, ठीक है, और बहुत मज़ा आप लोगों को। मैं रेगुलर इंस्टा पे फॉलो करती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ कि किसने क्या किया है, कौन कब कहाँ गया है, किसके साथ है, सो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा आज के टाइम पे इस इवेंट को रखने का जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि किसी भी मूवी या किसी भी इस किस्म के बड़े चीज़ के टाइम पे तो बातें होती हैं, लेकिन वो बातें वहाँ रुकनी नहीं चाहिए। कि अगर छपाक के वक्त मूवी बनी और उसके बड़े स्टार्स थे, उस पर बात हुई, कहानी थी, कुछ ने कहानी की तरह देखा, कुछ ने प्रॉब्लम की तरह देखा, कुछ का नज़रिया बदला होगा, कुछ ने आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा होगा, लेकिन इसके ऊपर बात होती रहनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूरी है, ना सिर्फ आप लोगों के बल्कि समाज के बाकी तबकों के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। और अब अगेन सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।